नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सब लोगों का स्वागत है आपके चैनल बॉन्साई बिगिनर पे। आज हम जिस चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है टूल्स। वो चाहे आप गार्डनिंग में यूज़ कर रहे हो या बॉन्साई के लिए यूज़ कर रहे हैं, कुछ बेसिक टूल्स आपके पास होने चाहिए ताकि आपका काम जो है वो आसान हो जाए। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक टूल्स। तो सबसे पहले आप सब लोगों का शुक्रिया अदा और धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे पुराने वीडियोस को लाइक करने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट देने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। बस आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखिए ताकि मैं आपके साथ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँ। तो जैसे हमने बात की कि जब आप गार्डनिंग कर रहे हो या बॉन्साई सीख रहे हो तो आपके पास कुछ बेसिक टूल्स होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास कौन से बेसिक टूल होने चाहिए। पहले हम बेसिक टूल देखेंगे और उसके बाद एडवांस टूल्स के बारे में बात करेंगे। कम से कम खर्च में आप जब शुरू करना चाहें तब ये दो बेसिक टूल है जो आपके पास बॉन्साई या गार्डनिंग कुछ भी शुरू करें तब ये दो टूल्स होने चाहिए। ये है प्रूनर, जो अगर ब्रांच आपको प्रून करनी है तो आपको काम आए, एकदम ही शार्प कट आपको देगा ये वाला प्रूनर। ये प्रूनर करीब आपको 400 रुपये से लेकर 600 रुपये तक में मिल जाएगा। ये आपको ब्रांच प्रून करने के लिए काम आएगा। दूसरा है सीजर, जो आपकी छोटी ब्रांच, जो आपकी पतली ब्रांच है वो काम आएगा, उसको प्रून करने के लिए काम आएगा। एज वेल एज अगर आप लीफ प्रून करना चाहें, कोई एकदम ही टहनी को काटना चाहें, तो ये आसानी से आपको काट के देगा। तो ये सीजर भी ज़रूरी है। ये दोनों टूल्स आपके पास होने बहुत ही ज़रूरी है। मैं ये जो यूज़ कर रहा हूँ करीब करीब 4 से 5 साल हो गए ये टूल्स को यूज़ किए हुए और आज भी मेरे को काम आ रहा है। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है ये हो गया, ये दोनों टूल्स जो है वो आपकी ब्रांच और लीफ के लिए काम आएंगे। बट आपको जब नर्सरी स्टॉक ला रहे हो उसमें से मिट्टी निकालनी है तब ये मैंने हैंड टूल बनाया हुआ है। ये जो है ये फॉक हमने यूज़ किया हुआ है, ये रूट रैक करने में आपको आसानी से काम आएगा एज वेल एज कुछ मिट्टी हटाने के लिए भी काम आएगा। ये चीज़ आपको काम आएगी जब आप गुड़ाई कर रहे हो, जब आप फर्टिलाइज करना चाहते हो, मैन्योर डालना चाहते हो, तब भी आप इसके सहारे थोड़ी बहुत मिट्टी को गुड़ाई कर सकते हो। तो ये बेसिक टूल, तीन टूल्स हैं जो आपके पास होना ज़रूरी है। उसके बाद है ये एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा जिसको मैंने शेप दे के बनाया हुआ है। ये बहुत ही काम की चीज़ है। जब आप रिपोर्टिंग करते हैं तब जब भी आपको एयर गैप निकालने होते हैं, मिट्टी में आप पोक करेंगे तो जितने भी एयर गैप्स हैं वो सारे निकल जाएंगे। तो ये चार बेसिक टूल हुए। उसके अलावा आपके पास होनी चाहिए एक आरी। जब ये प्रूनर से कोई मोटी ब्रांच आपकी नहीं कट हो रही है तब आपको आरी का यूज़ करना होगा। आरी ये छोटी है, इससे बड़ी भी आती है, तो आपके पास एटलीस्ट एक आरी होनी चाहिए ताकि अगर आप कोई मोटी ब्रांच या आप कहीं वाइल्ड से हार्वेस्ट कर रहे हो तो आप वो उसको अच्छे से काट पाओ। तो ये टूल्स की मैंने बात की जो बेसिक टूल्स है। इसके अलावा हमको एक और चीज़ चाहिए, वो है कटर। शार्प नाइफ आप ले सकते हो या एक कटर ले सकते हो। ये स्टेशनरी कटर है, 30 से 40 रुपए के अंदर आपको यह वाला कटर मिल जाएगा। ये जब आप एडेनियम का प्रूनिंग कर रहे हो या ऐसी कोई ब्रांचेस प्रून कर रहे हो जिसमें आपको एकदम ही शार्प कट चाहिए तो इसको डिसइनफेक्ट करके आप यूज़ कर सकते हो। जब आप फायरिंग कर रहे हो तब आपको ये दो बेसिक टूल चाहिए। ये चाहिए जब आप वायर को खींच रहे हो और टाइट करना चाहते हो या अपने प्लांट को टाई करना चाहते हो तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये भी आपको हार्डवेयर स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। और वायर कटर, ये 40 रुपीज़ में वायर कटर लिया है मैंने और काफ़ी समय से मेरे पास है। तो ये सारे टूल्स आपको बेसिक टूल्स हैं जो चाहिए जब भी आप गार्डनिंग शुरू कर रहे हो या आपका बॉन्साई शुरू कर रहे हो। ये आपको ये 700 से 800 रुपये का इन्वेस्टमेंट है जो आपको बॉन्साई शुरू करने से पहले आपके पास ये टूल्स होने चाहिए। ये टूल्स वैसे देखा जाए तो बेसिक में आते हैं बट ये कई जगह पे सेट मिलता है। ये जो है ये रूट रैक है, ये भी एक रूट रैक है और ये मिट्टी गुड़ाई करने के लिए है। ये मैं उतने यूज़ नहीं करता हूँ, काफ़ी टाइम से मेरे पास है, बट अगर आपके पास ये है तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे मैंने प्रूनर का बात किया, अगर छोटा सा सीज़र भी है जो नॉर्मल सीज़र हम यूज़ करते हैं
वो भी अगर आपके पास है तो आप लीफ प्रून इससे कर सकते हैं और छोटी ब्रांचेस भी काट सकते हैं। तो ये 40-50 रुपीज़ या 70 रुपीज़ में आपको ये वाला सीज़र भी मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ प्रूनर लेना चाहो तो उसके साथ आप सीज़र ले सकते हो। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो है मेरे एडवांस टूल्स। ये देखिए वही सीज़र है, वैसी ही सीज़र है, बट जब आप माहिर हो जाओ और एकदम ही शार्प काम करना चाहो, डिटेल के साथ काम करना चाहो, तो ऐसे महंगे वाले टूल्स आप ले सकते हो। एक बार आपने अच्छे से सीख लिया और फिर डिटेल काम करना चाहो तो ये वाले, ये भी प्रूनर से, जिससे आप लीफ प्रून कर सकते हो या छोटी ब्रांच प्रून कर सकते हो, बट ये महंगे आते हैं, वही काम आपको नॉर्मल सीजर भी देगा। ये एक और सीजर है जहाँ पर आपका हाथ नहीं पहुँच रहा हो, ये काफ़ी साल तक चलता है। एक बार आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 10-12 साल तक आपका ये टूल्स चलेगा। दो टूल्स एडवांस टूल्स में आते हैं, ये है कॉनकेव कटर और दूसरा आता है नॉब कटर। ये आपके पास होना ज़रूरी है, अगर आप बॉन्साई कर रहे हो तो ये होना ज़रूरी है। इससे आपको जो काम मिलेगा वो बहुत ही शार्प मिलेगा। से फॉर एग्ज़ाम्पल, ये ब्रांच आपको प्रून करनी है और आपको एकदम शार्प कट चाहिए, तो प्रूनर से उतना शार्पनेस नहीं आएगा, तो इसीलिए आपके पास कॉनकेव कटर होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा टूल जो आता है वो है नॉब कटर। वो मेरे पास नहीं है, मैंने अब तक परचेज नहीं किया, क्योंकि मेरा जो काम है वो कॉनकेव कटर से चल जाता है। दूसरा मेरे पास ये सर्जिकल सीजर्स भी है, जहाँ पर मुझे शार्प काम करना है, जहाँ पर मेरे हाथ नहीं पहुँच रहे, तो वहाँ पर मैं ये सीजर्स भी यूज़ करता हूँ। और ये वाली जो सीज़र है ये भी मैं यूज़ करता हूँ। इसके अंदर आप जो शेप देखोगे तो थोड़ा कर्वी शेप है। जब मैं कोई मॉस को प्रून करना है या एजिस को प्रून करनी है तो मैं ये सीज़र का यूज़ करता हूँ। तो जितने भी टूल्स मैंने आपके साथ शेयर किए वो सारी लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं। बट जब आप शुरुआत कर रहे हैं तब इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास दो बेसिक टूल होने बहुत ही ज़रूरी है, वो है एक ब्रांच प्रूनर और दूसरा है सीजर। तीसरी चीज़ जो मैं, जैसे मैंने आपको बताई, वायर कटर आपके पास ज़रूरी है अगर आप बॉन्साई पे वायरिंग कर रहे हो तो। तो टूल्स का बहुत ही महत्व है। आपके पास बेसिक टूल के अलावा जब आप एडवांस लेवल पे काम कर रहे हो तो एडवांस टूल होना ज़रूरी है। आपका शौक आगे बढ़ता जाए, आपको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट हो, तब जाके धीरे धीरे आप एक एक टूल्स करके परचेस कर सकते हो। क्योंकि मैं अगर एग्जांपल दूं कि कॉनकेव कटर आप लेने जाओगे तो 2500 से 3000 का ये कॉनकेव कटर आपको मिलेगा। तो पहले से ही इसमें इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक काम से शुरू कीजिए और जैसे जैसे आपकी हॉबी आगे बढ़ती जाए, आप प्रोफेशनल बनते जाओ, वैसे वैसे आप अपने टूल्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहो। तो आज हमने बात की टूल्स के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बेसिक से शुरू कीजिए और एडवांस लेवल के टूल्स परचेज करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। मैं आज ही रिवील कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीडियो हमारा कौन से टॉपिक पे आएगा, वो है पॉट। पॉट का इंपॉर्टेंस क्या है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है टूल्स को लेके तो प्लीज़ बेझिझक हो के आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपको रिवर्ट करूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप गार्डनिंग बहुत ही अच्छे से करें, आप बॉन्साई बहुत ही अच्छे से सीखें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।